नमस्ते मित्रों, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ओशो ज़ेन टैरो के सेकंड कार्ड के बारे में, जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कंपैरिजन देख लें, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं राइडर वेट टैरो के ऊपर बेस्ड हैं। और जो राइडर वेट टैरो के अंदर जो सेकंड कार्ड है वो है द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। थोड़ा बहुत मैजिशियन को समझेंगे पहले। तो मैजिशियन जो है एक ऐसे क्रॉस रोड पे है, एक ऐसे पेडेस्टल पे है जहाँ पे उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। मैजिशियन वो फूल है जो कि अब अपनी पावर्स को रियलाइज़ कर रहा है, जिसने ये देख लिया है कि उसके पास, जिसने अपनी पोटली जो है खोल के देख ली है, और वो पोटली जो फूल की पोटली थी वो मैजिशियन ने खोल के देख ली है, और वो चारों चीज़ें जो हैं उसने वो टेबल पे बिछा दी हैं। और क्या है वो चार चीज़ें? पेंटिकल, सॉर्ड्स, कॉइन्स और कप्स। ये चारों चीज़ें जो हैं उसने टेबल पे रख दी हैं। अगर हम थोड़ा बहुत जो है सिग्निफिकेंस समझें, सॉर्ड को हम जो है इंटेलेक्ट के साथ जोड़ते हैं, पेंटिकल को हम जो है कॉइन्स के साथ, मनी के साथ जोड़ते हैं, कप्स को जो है हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, रिलेशनशिप के साथ जोड़ते हैं, सेंसिटिविटी फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं, और फाइनली वॉन्ड्स को हम एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, इंथुजियाज्म के साथ जोड़ते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो मैजिशियन है उसके पास ये चारों एलिमेंट्स जो हैं मौजूद हैं, ये चारों पावर्स मौजूद हैं। एंड इट्स ऑल्सो अ सिम्बल ऑफ विजडम, जो कि हम फूल के, जो कि हम मैजिशियन के सर पे देख सकते हैं, एक इन्फिनिटी का। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था अबाउट द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। अब हम समझेंगे द रियल मैजिशियन, द सेकेंड कार्ड ऑफ द ओशो ज़ेन टैरो, विच इज़ कॉल्ड द एग्जिस्टेंस। सो जैसे कि हमने देखा कि हम इसको मैजिशियन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैजिशियन के पास जो है ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, वैसे ही जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ इज़ एवरीथिंग। इट्स इनसाइड अस, इट्स आउटसाइड अस, इट्स एवरीवेयर। एग्जिस्टेंस का अर्थ ये होता है गेटिंग इन टच विद द धर्म ऑफ लाइफ, विद द एसेंस ऑफ योर लाइफ। जो आपका जो रियल स्वभाव है उसके टच में आना इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। और इसको जो है अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग रिलीजन ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राइस्ट इसको कमांडमेंट्स कहते हैं, भगवान बुद्ध इसको जो है धम्मा कहते हैं, गुरु नानक जी इसको हुक्म कहते हैं, और हिंदू इसको गहरे में नियम कहते हैं। कि कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे हुक्म हैं, कुछ ऐसे कमांडमेंट्स हैं कि दिस इज़ ऑल अराउंड अस, दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग। जो एग्जिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, एग्जिस्टेंस यानी कि लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग। और जितना हम इस आर्ट ऑफ लिविंग को समझते हैं, उतना हमें ज़िंदगी को जीने का सही तरीका आ जाता है। एग्जिस्टेंस कार्ड हमें मैसेज देता है कि जब आप अपने भीतर के स्वभाव के साथ जुड़ते हैं, अपने भीतर के नियम के साथ जुड़ते हैं, तो आप जो भी चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। जो भी आपके भीतर जो डिज़ायर हैं वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, और एक लाइफ के अंदर एक कम्प्लीट फुलफिलमेंट आने लग जाती है। एक ऐसी लाइफ जिसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। इट सिंपली मीन्स यू आर गेटिंग इन टच विद द यूनिवर्स, एंड वंस यू गेट इन टच विद द यूनिवर्स देन यू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। सो जो चीज़ें एक्सप्रेस होनी होती हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं, जो मैनिफेस्ट होनी होती हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। दैट इज़ वॉट द एग्जिस्टेंस कार्ड इज़ ऑल अबाउट। सो ये कुछ इसी तरह से है कि अब आपने जो जीवन को जो जीने का तरीका है वो आपका जो है भीतर की तरफ से मुड़ गया है। एक जीवन है जो बाहर की तरफ से आप जीते थे, जो आपकी बाहर से आपको मोटिवेशंस मिलती थी, बाहर से आपको इंस्पिरेशन मिलती थी, अब सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो है आपके भीतर हो गई है। नाउ एवरीथिंग वॉट एवर इज यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डिसाइड फ्रॉम इनसाइड। आप अपने भीतर बैठ के इस शरीर को चलाएंगे, आप अपने भीतर बैठ के इस संसार को जो है जिएंगे। अब तक जो है संसार को जो है आप बाहर की एक्सपेक्टेशन से, बाहर की इंस्पिरेशन से जीते थे, लेकिन एग्जिस्टेंस कार्ड आपको जो है गहरे में ये सीख दे रहा है कि नाउ चेंज द सीट, नाउ गो टू द राइट प्लेस, नाउ गो एंड सिट इनसाइड यू। दैट इज़ व्हाट द एग्जिस्टेंस कार्ड इज़ ऑल अबाउट। तो आपका फोकस
तो एग्जिस्टेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब आपका फोकस जो है बाहर से भीतर की ओर हो गया है। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है भगवान कृष्ण का ही, कि जब आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ बहे तो वो हो जाती है धारा, और वही ऊर्जा जब आपके भीतर वापस आनी शुरू हो जाती है, आपके पास वापस लौटनी शुरू हो जाती है, तो वो हो जाती है राधा। और जब आपकी ऊर्जा राधा हो जाए तो कृष्ण और राधा का मिलन हो जाता है। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ यिन एंड यांग, जिसका अर्थ है अर्थ नारेश्वर, जिसमें शिव और पार्वती का मिलन हो गया। तो जो हम फिगर इस कार्ड में देखते हैं, एक नेकेड फिगर, वो सिंबॉलिज्म है कि हम अपने भीतर जो है नेकेड है और ऑनेस्ट है, कि हमें अपनी भीतर की एग्जिस्टेंस के साथ टोटली नेकेड हो जाना है, टोटली ऑनेस्ट हो जाना है। वहाँ पे आप कपड़े नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे आप जूते नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे आप चमड़ा नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे आपकी सिर्फ जो है कहीं ना कहीं डीप सोल ही एंटर करती है, जो आपकी डेप्थ है आपके जीवन की, जो आपकी गहराई है आपके जीवन की, वो आपकी एंटर करती है वहाँ पे, और वहाँ से आप जो है अपना जीवन जो है निर्धारित करते हैं। एंड दिस इज़ वॉट द एग्जिस्टेंस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट। और एक गहरी रियलाइजेशन जो हमें होती है इस कार्ड के थ्रू, कि जिस घर को या फिर जिन दोस्तों को या फिर जिन मंजिलों को आप बाहर ढूंढते हैं, वो सब कुछ जो है आपके भीतर है। जो आपका असली घर है वो आपके भीतर है, वो आपकी गहराई में है। तो एक गहरी रियलाइजेशन कि अब आप बाहर से जो है इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, कि अब आप बाहर की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होंगे, कि अब आपका देखने का तरीका जो है बदल जाएगा, कि अब आपके देखने का तरीका जो है अब भीतर की तरफ होगा, कि अब आपकी खुशी, आपका दुख, आपका जॉय, आपका हैप्पीनेस, आपका सैडनेस, ये सब कुछ आपके भीतर ही डिपेंड करेगा। तो एक गहरी रियलाइजेशन इसी बात की कि अब आप बाहर की चीज़ों से अब इफ़ेक्ट नहीं होंगे, कि अब आपका जो सुख का जो सेंटर है आपने उसको जो है अपने भीतर चुन लिया है। नाउ यू विल बी इन जॉय। इन्जॉय वर्ड आप देखिए, इन्जॉय कि अपने भीतर का जो जॉय है उसके साथ कनेक्ट हो जाना, कि अब आप अपनी ज़िंदगी को उस जॉय के साथ जिएंगे, उस कंटेंटमेंट के साथ जिएंगे, उस क्रिएटिविटी के साथ जिएंगे। और एक और चीज़ की जो गहरी रियलाइजेशन है जो एग्जिस्टेंस कार्ड से हमें आती है, कि जो सुख है वो कोई ऐसा नहीं कि जो फ्यूचर की बात है, कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, कि जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, कि जब आप पहाड़ में घर ले लेंगे, कि जब आप कुछ अचीव कर लेंगे तब जाके आप खुश हो पाएंगे, तो शायद आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मन जब चीज़ें अचीव कर लेता है तो उसके बाद फिर कुछ नई चीज़ें जो हैं उसके सामने, नए डिज़ायर्स उसके सामने आ जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि आपका मन जो है आपको कैसे वो चकमा दे देता है। आपका मन आपको बोलता है कि एक बार पहाड़ चलेंगे ना, वहाँ जाके जो है आराम करेंगे, वहाँ जाके जो है सुख मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पहाड़ पहुँच जाओगे तब आपके अंदर कुछ और एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, तब आपका मन कहेगा अरे नहीं, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपका मन आपको ये कहे कि सुख जो है ये करने के बाद मिलेगा, उसी वक्त जागिए, उसी वक्त इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि सुख जो है आपका खुद का स्वभाव है। आपको किसी चीज़ के होने की आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट सिंपली मीन्स दैट यू कैन स्टार्ट लिविंग इट राइट अवे, राइट नाउ, इसी वक्त, इसी क्षण, एक क्षण की भी देर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सुख होना है इसी वक्त, इसी क्षण, आपको जो है पूरी तरह से जो है एग्जिस्टेंस आपको हेल्प करती है। आपके भीतर जो है उसने एक बहुत ब्यूटीफुल जो है एक कीमिया दी है जिसके कारण आप सुखी हो सकते हैं। उसी को सीखना है, उसी को हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। और एक बड़ा गहरा मैसेज जो ओशो से आता है इस कार्ड के थ्रू, कि दैट यू आर नॉट एक्सीडेंटल, कि आप जो है इस एग्जिस्टेंस में एक एक्सीडेंट की तरह नहीं है कि आप ऐसे ही पैदा हो गए। आपकी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है, आपका एक यूनिक इम्प्रिंट है, आपका एक यूनिक सॉन्ग है जो आप ही गा सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टेंस से हटा दिया जाए, एग्जिस्टेंस इज गोइंग टू मिस यू। सो जीवन में जो भी हो रहा है, और अगर आप उस जीवन के हिस्से हैं, तो यू आर ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट, यू आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन इट। नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग, वेदर इट्स अ नेगेटिव रोल और अ पॉजिटिव रोल, बट यू आर प्लेइंग अ रोल इन सम ऑफ द अदर वे। अगर प्ले में से उस किरदार को निकाल दिया जाएगा तो प्ले जो है अधूरा रह जाएगा।
तो अगर हम इस वास्ट यूनिवर्स को देखें, सो वी आर नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट, एक छोटा सा तिनका जो होता है वो भी नहीं हम कह सकते हम हैं, क्योंकि हम दिखेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी आपको जो है कि इंडिविजुअलिटी मिली हुई है, आपको एक एहसास मिला हुआ है कि आप हो, आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो, यू कैन बी इन जॉय, यू कैन बी इन सेलिब्रेशन। सो दैट सिंपली मीन्स दैट गॉड इज एक्चुअली सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, दैट यू आर गॉड योरसेल्फ। तो आप ही नहीं भगवान को खोज रहे हैं, भगवान भी आपको खोज रहा है। ये आग जो है दोनों तरफ से लगी है, जो आपके भीतर जो आग लगी है, जो आपके भीतर जो चाह है टू बी हैप्पी, ब्यूटिफुल, फुलफिल्ड, कंटेंट, वॉट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर दैट गॉड इनसाइड, वी आर लुकिंग टू मीट आर रियल फेस। और एग्जिस्टेंस कार्ड के थ्रू हमें मैसेज आता है कि जो चाह आपके अंदर है वही चाह जो है गॉड के अंदर भी है, वही चाह एग्जिस्टेंस के अंदर भी है। एग्जिस्टेंस भी बहुत उतावली हो रखी है आपसे मिलने के लिए। तो एग्जिस्टेंस कार्ड का जो मैसेज है वो आपके लिए यही है कि जब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू करते हैं, जब आप अपने भीतर से, जब आप अपने हार्ट के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, सब चीज़ें जो हैं मैजिकली होनी शुरू हो जाती हैं। एंड यू और आप ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि सब तरफ से जो है लव फ्लो कर रहा है, लाइफ बिकम्स अ ब्लेसिंग, लाइफ बिकम्स अ फ्लो। दैट इज़ व्हाट द एग्जिस्टेंस कार्ड इज़ ऑल अबाउट। आई होप यू एंजॉयड दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस कार्ड। और मैं आप सब लोगों को यही विश करता हूँ कि आप अपने भीतर के स्वभाव के साथ जुड़िए और खुश रहिए, एंड मेक योर लाइफ अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।